का राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस फिर से घातक रूप धारण कर चुका है। तो बलरामपुर अस्पताल के करीब 10 डॉक्टर्स और स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद भी डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। तो डॉक्टरों के संपर्क में आए करीब 17 मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। तो डॉक्टर्स और कर्मियों के पॉजिटिव निकलने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। बलरामपुर के CMS डॉक्टर RK गुप्ता और MS डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। तो एक बार फिर से कोरोना संक्रमण घातक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। वैक्सीनेशन के बाद भी डॉक्टर्स और नर्सेस समेत 10 लोग पूरे स्टाफ के कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सतीश संगम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? वैक्सीनेशन के बाद भी डॉक्टर्स और नर्सेस की जो टीम है उसके 10 लोग यहां पर संक्रमित पाए गए हैं और साथ ही साथ उनके संपर्क में आए जो मरीज हैं उनकी रिपोर्ट पर क्या असर पड़ा है? पड़ रहा है, मौजूदा समय में हर दिन 1000 से ऊपर केसेस मिल रहे हैं। अगर बलरामपुर अस्पताल की देखें तो यहाँ पर 10 डॉक्टर और स्टाफ जो कर्मचारी हैं वहाँ के वो लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही इनके संक्रमित इनके संपर्क में आने वाले जो OPD मरीज थे उनमें करीब 17 लोग संक्रमित मिले हैं। और सबसे बड़ी बात अगर देखें यहाँ पर कि जो डॉक्टर्स जो स्टाफ थे स्वास्थ्य विभाग के, इन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका था, दोनों डोज लग चुकी थी वैक्सीन की, लेकिन इसके बाद भी पॉजिटिव इनकी रिपोर्ट आई है। ऐसे में न केवल वहाँ के मरीजों के लिए बल्कि इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी परेशानी हो रही है, मुश्किलें भी बढ़ गई है कि इस तरह के मामले जब आ रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद में तो इस तरह से चिंता की विषय है। स्वास्थ्य विभाग को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की चीजें आ रही है सामने या कोविड के मामले आ रहे हैं, कैसे इस पर रोक लगाया जा सकता है, किस पर निगरानी रखना चाहिए। जी तो सतीश भाई, अगर बात की जाए तो एक बड़ा मामला निकल कर ये सामने आया, जिस तरीके से वैक्सीनेशन के बाद भी जो पूरी टीम है स्वास्थ्य कर्मियों की उनमें 10 लोग यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन पर भरोसा किया जा रहा था कहीं ना कहीं वो डगमगाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की जिस तरीके से बात है, क्या कुछ कहना है उनका? जी बिल्कुल, अगर देखें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो बयान आए थे इस पर लेकर, तो इनका साफ तौर से कहना है कि 15 दिन के अंतराल में जो वैक्सीनेशन होता है उस पूरी तरह से काम नहीं करता। इसके बाद जो दूसरी डोज लगने के बाद भी शरीर एक्टिव रूप से होती है, यानी संक्रमण से लड़ने के लिए उसकी क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन अगर दोनों डोज लगने के बाद भी अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वैक्सीनेशन पे सवाल उठ रहे हैं। अगर आप देखें कि PGI में भी वहाँ के निदेशक को भी संक्रमण के केसेस आए थे जो कि उनको भी टीकाकरण हो गया था, लेकिन यहाँ पर भी देखें कि CMS को भी टीकाकरण हो गया था, इसके बाद भी इस तरह से कोविड का मामला सामने आया है। इससे ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक तरह से सवाल खड़े करते हैं कि किस तरह से उनकी लापरवाही या वैक्सीनेशन पर जो लोगों का भरोसा है वो कहीं ना कहीं एक तरह से कम होता नजर आ रहा है। जी सतीश भाई, अगर बात की जाए तो जो स्वास्थ्य कर्मियों की टीम है जिसके 10 जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके संपर्क में आए 17 मरीज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या उनको भी वैक्सीन लगा दी गई थी या उनको अभी वैक्सीन लगनी बाकी थी? जी अगर आप देखें कि जो मरीज थे उनको वैक्सीनेशन नहीं लगी थी, लेकिन जो स्टाफ या जो डॉक्टर थे उनको वैक्सीनेशन लग चुकी थी। ये जो OPD के मरीज थे यानी कि डॉक्टर के संपर्क में आने की वजह से ही जो मरीज आए थे उनको संक्रमित हुआ है। कि अगर देखिए कि जब सुरक्षा के घेरे में हो, जैसे वैक्सीनेशन के बाद हो, ये होता है कि उसको संक्रमण का खतरा कम होता है, लेकिन संक्रमण कहीं ना कहीं डॉक्टर की वजह से या स्टाफ जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनकी वजह से फैला है। ऐसे में एक तरह से दुखदायी भी होगा कि इस तरह के संक्रमण के मामले न केवल मरीजों के लिए भी एक तरह से मुसीबत भी हो सकती है। चलिए सतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर वैक्सीनेशन पर एक बार फिर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों की टीम के 10 डॉक्टर्स और नर्सेस कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो बलरामपुर के डॉक्टर्स की टीम के 10 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके संपर्क में आए 17 मरीज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बढ़ते आगे, प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने धारा 144 लगाई हुई है। दिन प्रतिदिन COVID-19 मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरती गई तो संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई तय है। हालांकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। SP और कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार और मुख्यमंत्री की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश और देश की जनता को इस महामारी से निजात दिलाने के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है।
तो देश के साथ साथ यूपी में भी कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन कोरोना के मामलों में वृद्धि यहां पर दर्ज की जा रही है और लगातार देखने को मिल रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, साथ ही साथ मृत्यु दर में भी इजाफा यहां पर दर्ज किया जा रहा है। उसी के चलते विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रहा है। हमारी से पूरा देश लड़ रहा है और सभी सरकारें अपने अपने हिसाब से रास्ता निकाल रही हैं कि कैसे कोविड महामारी से बचा जाए, लेकिन जो लोग गाइडलाइन जारी करते हैं, दिल्ली में बैठे लोग, देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, वो बंगाल में क्या कर रहे हैं, आसाम में क्या कर रहे हैं, गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में भी कोरोना बढ़ रहा है। अभी दो दिन पहले ही लखनऊ में देश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता मंच पर थे। कोई मास्क नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, केवल टीवी और अखबारों में सरकार कहती अच्छी बातें, लेकिन कर खुद क्या रहे हैं ये तो समझना होगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, खुद प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री और मंत्री इस समय 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं। देश में क्या घटित हो रहा है, देश के कैसे महामारी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, इसके उपाय क्या होने चाहिए, वैक्सीनेशन की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेटर और अस्पतालों की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, डॉक्टरों की भर्ती, कोरोना वॉरियर्स की भर्ती और उन तमाम विषयों और मुद्दों पर ध्यान देते हुए इस महामारी से निपटने की तैयारी करनी चाहिए थी। सरकार तो अभी चुनाव में व्यस्त है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के अभिनंदनीय नेतृत्व में कोरोना संक्रमण को कंटेन करने के लिए जो काम हुआ उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई। और ये जो दूसरी लहर कोरोना की पुनः जिससे संक्रमण बढ़ा है, निश्चित रूप से चिंता की बात है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने तात्कालिक रूप से जो दिशा निर्देश दिए हैं कि कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल को L1, L2, L3 को सक्रिय करना, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम को सक्रिय करना, प्रत्येक जिले में DMO CMO प्रतिदिन शाम को बैठ के उसकी समीक्षा करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क की अनिवार्यता और साथ में जो वैक्सीनेशन है उसको तेजी के साथ बढ़ाने के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, और उसके साथ ही साथ जो टेस्टिंग और ट्रेसिंग है उसको लेके लगातार काम हो रहा है। मुझे लगता है कि हम सबको, जो प्रदेश के नागरिक हैं, उन सबको उन दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए जो, और सरकार की तरफ से जो जो कोविड संक्रमण को कंटेन करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें हमारा सहयोग होगा तो हम जल्दी से जल्दी इस कोविड संक्रमण को कंटेन कर पाएंगे। देश भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और उसी कड़ी में यूपी में भी जो संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।